guys, welcome to the channel The Sun Plus. Or the reading which I am having today is for Virgo. Virgo के लिए reading है. So if you are a Virgo, तो आप इस reading को देख सकते हैं. And this is a timeless reading for the upcoming week. जो आपका upcoming week है, वो कैसा रहने वाला है. So this is a timeless reading. आप जब कभी भी इस reading को देखना start करेंगे, from जो आने वाला जो week होगा, उससे ही जो reading है, वो resonate होना automatically start हो जाएगी. So this is a general reading to watch it generally. So let's start with the reading for Virgo. जो नेक्स्ट वीक है वो इनके लिए कैसा रहने वाला है. अपकमिंग वीक, आने वाला जो वीक है. टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, ताकि आपसे कोई भी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस नहीं होगी. द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द पेज ऑफ कप्स, हम इन कार्ड्स को लेंगे. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स and the justice. Very beautiful card in the starting and the ending. Starting और ending में of this reading Virgo, बहुत ही beautiful two cards आए हैं हमारे पास में. The first card is the energy of wheel of fortune. एक good time को represent कर रहा है, good time आने वाला है. Maybe अगर आप अपने career के लिए, मुझे past में थोड़े से unsatisfied दिखाई दे रहे थे, किसी opportunity का wait करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इन दिस अपकमिंग वीक मुझे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है. एंड द कार्ड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है. एक सेटिस्फाइड बिगनिंग, आपको एक सेटिस्फाइड अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं. दिस अपकमिंग वीक फॉर योर कैरियर के लिहाज से इस अपकमिंग वीक में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, क्योंकि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस पर आप वर्क करोगे. द अपॉर्चुनिटी विच यू डिजर्व. So this is the reading for the career. Now let's see for your relationship. तो उसके लिए भी जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, the very first card is Knight of Pentacles and the next is the Ten of Wands. Ten of Wands एक past energy को बता रहा है, मे बी कोई past argument, एक past sadness को बता रहा है, एक little amount of sadness को बता रहा है एक कार्ड आपके relationship में. अगर थोड़ा सा आपके बीच में, आपके आपके पार्टनर के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया था, अगर इन सम केस वो मूव ऑन हो गए थे, या फिर कोई ब्लॉक कम्युनिकेशन था, नो कॉन्टेंट्स ऑन था, तो अब उसके लिए जो आपके जो पर्सन है, मुझे इस वीक में कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप. एंड वो जो स्टेप है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे आपके इस स्टेप के लिए. आपके पर्सन जो स्टेप लेने वाले हैं, एक ब्यूटीफुल स्टेप होगा जिसमें आपको जस्टिस मिलेगी, आपके पर्सन को जस्टिस मिलेगी, आपको जो रिलेशनशिप है उससे मुझे जस्टिस मिलती हुई दिखाई दे रही है. इफ़ अगर पास्ट में कोई डिस्टर्बेंस था. एंड दिस वॉज द रीडिंग फॉर योर रिलेशनशिप. एंड वन मोर कार्ड वी हैव नॉट टूट इन द रीडिंग इज द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. एक हैप्पी टाइम को ये जो कार्ड है रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़ को, हैप्पी बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मे बी वो आपके कैरियर में हो या आपके रिलेशनशिप में हो. सो वी कैन से टाइम बहुत ही अच्छा है फॉर योर कैरियर एंड एज वेल एज फॉर योर रिलेशनशिप. तो इस अच्छे हैप्पी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है. एक ब्यूटीफुल चेंज का टाइम है आपके कैरियर के लिए भी एंड रिलेशनशिप के लिए. ये जो अपकमिंग वीक है, जाते जाते अच्छे हैप्पी रिजल्ट दे के जाने वाला है आपको. सो दिस वॉज द रीडिंग for you Virgo. I hope that this reading resonate to you. And please comment करके ज़रूर बताएगा कि जो reading है आपसे कितनी % resonate हुई. And you can also like, subscribe and share this channel for the future notification. Till the time, take care and have a nice day.